वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट या फिर देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन 114.20 पे क्लोजिंग दी थी। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटो फोक के नतीजे के बाद बहुत सी गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक ने। तो रिसेंटली यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बाकी के डिटेल देख के जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन की बात की जाए तो गिरावट हो चुकी थी। मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर है रिसेंटली देखा जाए तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पी रेशियो जो है 4.18 का है। तो पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 1 मंथ में तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 9% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे ईयर टू डिजिट यानी कि मंथ ऑफ जनवरी से भी मूवमेंट देखी जाए तो मंथ ऑफ जनवरी से यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी वोलेटिलिटी मूवमेंट देखने को मिले। एक अच्छी रैली की थी 135 के ऊपर, फिर यहाँ पे गिरावट रिसेंटली देखने को मिले। लास्ट 1 या 1.5 मंथ से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के अंदर। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक में लास्ट 1 मंथ से बहुत सी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ से बाउंस बैक इस मंथ में बाउंस बैक होने के चांसेस दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 लेवल जो है सपोर्टिव लेवल है। तो यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ऊपर जाएगा 120 लेवल के करीब, तो 200 मूविंग एवरेज का रिटर्न भी लग सकता है उस लेवल के करीब। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए।